फाइनली माइक्रोमैक्स फिर से हमारे इंडिया के मिड रेंज मार्केट को पकड़ने वाला है, क्योंकि माइक्रोमैक्स ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अगले 30 जुलाई को हमारे इंडियन मार्केट पे एक मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। और जिस स्मार्टफोन के टैगलाइन रखा गया है #NoHangFoon, मतलब जो फोन आने वाला है वो फोन बिल्कुल भी हैंग नहीं होगा। इस बात को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है स्मार्टफोन। सो देखते असल में क्या लॉन्च करता है 30 जुलाई को माइक्रोमैक्स। और इस फोन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो क्लिप के थ्रू माइक्रोमैक्स ने ये अनाउंसमेंट किया है। इस फोन का नाम क्या होगा, मॉडल क्या होगा, बाद में कुछ भी जानने को नहीं मिला है। सो वेट करते हैं 30 जुलाई तक, उसके बाद ही पता चल जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हाय दिस इज अनंत एंड यू आर वॉचिंग एडी टेक रूम। सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M21 का 2021 एडिशन फाइनली लॉन्च हो चुका है हमारे इंडियन मार्केट पे, मतलब अमेजन पर। और इस फोन का पहला सेल होने वाला है 26 जुलाई को अमेजन प्राइम डे सेल के थ्रू अमेजन पर। और इसके प्राइसिंग की बात करो तो इसके स्टार्टिंग प्राइस रखा गया है 12,499 रुपीज। देन इसके फीचर्स की बात करो तो सबसे पहले 6000 mAh के एक बड़ी बैटरी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं हम लोगों को, जो एक बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट बन जाते हैं स्मार्टफोन के लिए। और इसके बाद यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है। देन यहाँ पे 6.4 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले विद 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। देन यहाँ पे एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रेस्पॉन्सिव प्रोसेसर है। तो जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आता है हमारे सामने, इस स्मार्टफोन पर जो कुछ भी दिया है सैमसंग ने और क्या चाहिए। और उसके बाद ओप्पो की तरफ से रेनो 6 सीरीज हाल ही में हमारे इंडिया पे लॉन्च हुआ, जहाँ पे 2 स्मार्टफोन को हम लोग अभी तक देख चुके हैं। और उसके बाद और एक स्मार्टफोन का कुछ हद तक अनाउंसमेंट हो गया है कि ये स्मार्टफोन आने वाले कुछ दिन में हमारे इंडिया पे देखने को मिल जाएगा, और वो स्मार्टफोन है रेनो 6Z। और ये फोन रेनो सीरीज की तरफ से एक मिड रेंज बजट स्मार्टफोन होने वाला है। आई थिंक इसके प्राइस की बात करो तो अभी तक कुछ भी पता नहीं चले, बट अगर 20,000 के आसपास इसका प्राइस रहता है, सो आई थिंक इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगा। और इसके फीचर्स की बात करो तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा 6.4 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले पैनल, जहाँ पर 90 हर्ट्ज और नहीं तो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। और उसके बाद यहाँ पर डायमेंसिटी 800 5G प्रोसेसर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पर मेन कैमरा की बात करो तो 64 मेगापिक्सल का होने वाला है। और उसके साथ 4,310 mAh की बैटरी कैपेसिटी विथ 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। सो वीडियो को इतने ही रखते, कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर से बोलना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बाद बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। So friends, thanks for watching.